अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्रो क्या होता है तो शायद आप लोग बोलोगे कि भाई वीडियोस में जो बताना है उसका इंट्रोडक्शन ही इंट्रो कहलाता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्रो इमोशन क्या होता है तो शायद ही आप लोगों को एग्जैक्ट पता होगा, क्योंकि यार जब बात शॉर्ट की आती है तो यहां तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। और इसी गेम का यूज करके रोज लाखों चैनल ग्रो हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चैनल वहीं का वहीं है। बहुत मुश्किल से तुम अल ग्रो, दीपक दैया, अक्ष वर्मा जैसे और कई चैनल्स की वेल इन डेप्थ रिसर्च वीडियोस देखते हो और उनके द्वारा बताया गया कोई भी लॉजिक शॉर्ट में लगाओगे तो तुम्हारा चैनल ग्रो होने के बजाय डेड हो जाएगा। तो क्या ये सभी लोग गलत हैं? ये हमें पागल बना रहे हैं? वेल, इसका आंसर छुपा है YouTube के इस अपडेट में। जैसे किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, वैसे ही चलो जानते हैं शॉर्ट की एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। लॉन्ग एंड शॉर्ट हैव डिफरेंट एल्गोरिथम्स। इसको समझने के लिए एटलीस्ट आपको किसी एक के एल्गोरिथम को तो जानना ही पड़ेगा। यूट्यूब शॉर्ट इज ऑफ शॉर्ट लेंथ। शॉर्ट जो है वो कम लेंथ का है, लेकिन फिर भी लोग उसे पूरा नहीं देखते हैं। Why? Because of you. Hook, pacing, vibe, voice speaking, style, accent, length, clickable word, color correction, elements of video, text या image, alignment, potential audience, feedback, video editing, presentation skill, और भी बहुत सारे points हैं। यह सब कुछ को ध्यान में रखकर एक शॉर्ट बनता है। इनमें से कितना आप यूज करके वीडियोस बनाते हैं यह आपसे बेहतर और कौन ही जानता होगा। इन सभी के बारे में आगे डिटेल से बात होगी, पहले पूरी प्रॉब्लम जान लेते हैं, जिनमें थर्ड नंबर पे है लास्ट 7 सेकंड रूल फॉर इंट्रो। जहाँ एक लॉन्ग वीडियो का इंट्रो 1 मिनट या उससे ज्यादा होता है, वहीं उतने ही देर में पूरी शॉर्ट खत्म हो जाती है। तो ऐसे में 7 सेकंड में ही ऑडियंस को हुक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही एक व्यूअर के पास कोई शॉर्ट जाता है तो वो एटलीस्ट 3 सेकंड तो देखता ही देखता है, उसके बाद वो स्क्रॉल कर देता है। तो फर्स्ट 3 सेकंड में आपको कुछ ऐसा बोलना है या प्रेजेंट करना है कि वो बेरोजगार जो बैठकर वीडियो स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहा है उसका अंगूठा तुम्हारे वीडियो स्क्रॉल करने से रुक जाए। लेकिन यह सब सिर्फ अगले 4 सेकंड तक ही होगा, मतलब पहले 3 सेकंड में उसे स्क्रॉल करने से रोकना है, मीन्स उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, और उसके बाद अगले 4 सेकंड में उसे अपने ऐसे फैक्ट या इन्फॉर्मेशन, कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल से बांधना है कि वो हुक हो जाए वीडियो से और डिसीजन ले ले या वीडियो फुल देखने का। लेकिन एक बेरोजगार इंसान का माइंड और यूट्यूब का एल्गोरिथम कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता, इसीलिए शॉर्ट का इंट्रो जैसे ही स्टार्ट हो उसमें हुकिंग ऑडियंस फॉर्मूला अप्लाई करो। अब बहुत लोगों को तो एक्चुअल क्यूरियोसिटी और हुक का मतलब ही नहीं पता है, और पता भी है तो यूज करने नहीं आता है। यह तो वही बात हुई ना कि मुझे आइंस्टीन की थ्योरी समझ नहीं आती है तो मैं अपनी ही थ्योरी लिख डालूंगा, कि एप्पल ऊपर से नीचे इसलिए गिरा क्योंकि जमीन के मुकाबले में आसमान बहुत दूर था, नहीं तो आसमान में ही जाता। मजाक से हटकर अब सीरियस होकर सुनो, हुक का डायरेक्ट रिलेशन है क्यूरियोसिटी के साथ। हुक वहीं आता है जहां क्यूरियोसिटी आती है, मतलब साफ है कि ऑडियंस को हुक करने के लिए सबसे पहले उनके माइंड में क्यूरियोसिटी जगाना होगा। तो चलो जगाते हैं फिर शाहरुख खान के नाम पर। देखो टॉपिक यही है कि शाहरुख खान के घर में कितनी बड़ी टीवी है या कितनी टीवी है, तो सभी अपना अपना खुराफाती दिमाग लगाओ और बताओ इसको कैसे हुक करना है। वीडियो को रोको और बताओ। बहुत ज्यादा से ज्यादा सोच कर दिमाग में एक ही लाइन आएगी, वही पुरानी घिसी पिटी लाइन, क्या आपको पता है शाहरुख खान के घर में कितनी बड़ी टीवी है। जब तुम अपनी वीडियो में ऐसी नॉर्मल लाइन से प्रेजेंट करोगे तो इसमें कहां पे क्यूरियोसिटी जागी और कहां पे हुक लगा, ये मुझे बताओ। हाँ तुम्हारा फैक्ट कुछ भी होता है लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका तो यही है ना। अब ऐसे में किसी को शाहरुख खान में इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर मूड अपसेट होगा, या फिर उसने यह फैक्ट कहीं और सुन लिया होगा, क्योंकि वीडियो बनाने वाले तो तुम अकेले हो नहीं, या फिर उसे यह छोटा फैक्ट जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे में उसे खुद की पर्सनल स्टोरी से कनेक्ट करो। जैसे टीवियां तो आपने बचपन में बहुत देखी होगी, लेकिन टीवी में जिस एक्टर को आप लोग देखते हो जैसे मैं शाहरुख खान, तो क्या वो भी आपके तरह टीवी देखता है या नहीं, और अगर हाँ तो कभी सोचा है कि उसके घर में कितनी बड़ी टीवी होगी और कितनी टीवी होगी। यह इंट्रो हो गया, अभी इंट्रो बता रहा हूँ, इतना ही समझो, मिड आउट्रो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही तुमने फर्स्ट लाइन बोला कि टीवियां तो आपने बचपन में बहुत देखी होगी, तो ऑडियंस के इमोशन जागे और बचपना याद आ गया। तो एक बात तुमने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे लास्ट में होगी लगाया है, ना कि देखते हैं। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा कि जिस भी चीज को तुम प्रेजेंट कर रहे हो अपने स्टाइल में, तो वो पहले क्या था और अब क्या है। तो लोग बचपन में ही टीवी देखते थे और अब लोग मोबाइल पे शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे में ऐसा पॉइंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस एक वर्ड से लोगों के इमोशन जागेंगे। और नेक्स्ट लाइन, टीवी में जिस एक्टर को आप लोग देखते हो जैसे मैं शाहरुख खान, इससे उनके माइंड में क्यूरियोसिटी जागना स्टार्ट हो जाएगी, और अब तक 3 सेकंड पार हो चुका है। और फिर नेक्स्ट लाइन, तो क्या वो भी आपके तरह टीवी देखता है या नहीं, से वो पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा हुक होने के लिए, और अगर हाँ तो कभी सोचा है कि उसके घर में कितनी बड़ी टीवी है और कितनी टीवी होगी, इस लाइन से वो पूरा हुक हो जाएगा और तब तक 7 सेकंड पार कर जाएगा, और अब तुम वीडियो के इंट्रो से मिड में पहुंच जाओगे। और इसका प्रैक्टिकल यूज आप लोगों को देखना है तो राइट टू शिक्षा को देख लेना, इसका यूज वो भी करते हैं। टॉपिक कुछ भी हो उसको वो पहले घुमा कर फिर ऑडियंस के क्यूरियोसिटी को जगा कर हुक कर देंगे और फिर वीडियो में एंट्री हो जाएगी, और फिर बीच बीच में फन करने के लिए धनिया भी आ जाएगा। देखो इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हारा टॉपिक कुछ भी हो सकता है, उसे पहले वैसे ही नोट कर लो, फिर उसमें अपना तड़का मसाला लगाना। जैसे
जो भी मेन टॉपिक है उसको और उसका आंसर नोट कर लो। देन उसके बाद इंट्रो के लिए एक अच्छी सी स्टोरी ढूंढो, मींस एक लाइन ढूंढो जिससे वीडियो की स्टार्टिंग कर सको। उस लाइन में या तो पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए ऑडियंस का, या फिर उनकी कुछ यादें जुड़ी हो, या फिर वो कॉन्ट्रोवर्शियल मामला हो, या फिर वो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में किसी ने बात नहीं किया अभी तक, मींस न्यू टॉपिक हो या फिर यूनिक टॉपिक हो, या फिर वो करंट मुद्दे को टच करता हो जिससे ऑडियंस सुनकर रुक जाए 3 सेकंड तक और फिर उनके माइंड में क्यूरियोसिटी जागे जिससे वो हुक हो जाए। और फिर आपको इंट्रो पेसिंग का भी ध्यान रखना होगा कि स्टार्टिंग के लाइन में आपकी रफ्तार कितनी होगी, वीडियो के शुरू होते ही कितना स्पीड बोल रहे हो, कितने जोर से चिल्लाकर बोल रहे हो, और फिर उसमें वाइब का भी ध्यान रखना है कि जो बोल रहे हो वो कैसे बोल रहे हो, मींस स्टोरी टेलिंग सही है या नहीं, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो वीडियो के कीवर्ड से मैच करता है या नहीं, मींस बैकग्राउंड म्यूजिक से एक एक वाइब क्रिएट होनी चाहिए। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो गाइस, यही मेन पॉइंट है। फिर आपको वॉइस का भी ध्यान रखना है कि कहीं बिना मतलब कि आपकी वॉइस ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है ना, जहां पे सीरियस रिएक्शन है वहां पे वॉइस चेंज करते भी हो या नहीं। आपके वीडियो का या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग एक अलग स्पीकिंग स्टाइल होना चाहिए। जैसे टॉपिक कॉमेडी की है और आप सीरियस स्टाइल में बातें कर रहे हो, यह तो गलत बात है ना। जरूरत के हिसाब से वीडियो का एक एक्सेंट सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। इतना ही नहीं, उनमें क्लिकबल वर्ड भी तो होना चाहिए ना, कि वो हर 7 सेकंड के बाद 7 सेकंड रूल का साइकिल कंप्लीट होते रहना चाहिए पूरे वीडियो में। और कलर करेक्शन भी तो सही होना चाहिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बैकग्राउंड है डार्क कलर का और आप टेक्स्ट भी डार्क कलर का ही यूज कर रहे हो, डार्क कलर पे लाइट कलर और लाइट कलर पे डार्क कलर, इस बात का बस ध्यान रखना गाइस। वैसे इसे मैंने बहुत वीडियो में बताया है तो आपको तो पता ही होगा है ना। एंड फिर एलिमेंट्स ऑफ वीडियो, वीडियो में आप कितना और किस टाइप का एलिमेंट्स यूज कर रहे हो इस बात का भी ध्यान रखना है गाइस। और टेक्स्ट या इमेज दोनों का यूज करना है वीडियो में, इवन जरूरत पे एनिमेशन कार्टून का भी यूज करना पड़ेगा तो कर लेना, लेकिन उसमें बस एलिमेंट्स ऑफ वीडियो एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पॉइंट को ध्यान में रखकर। अलाइनमेंट ऑफ वीडियो, इसे तो पूरा एंड तक मिलाकर रखना। वीडियो एडिटिंग, एक स्टोरी बिल्ड होनी चाहिए तुम्हारी एडिटिंग से, क्वालिटी ज्यादा हाई नहीं तो इतना लो भी नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बीट लेवल की एडिटिंग तो होनी ही चाहिए। एंड इसी तरीके से प्रेजेंटेशन स्किल पूरे वीडियो में, खैर इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे। लेंथ, वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी है यह बहुत ज्यादा मायने रखता है एक शॉट को वायरल करने के लिए। नाउ अब ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से अटैच है, जैसे लेंथ, पेसिंग एंड पोटेंशियल ऑडियंस। वीडियो की लेंथ क्या रहेगी यह डिपेंड करता है पेसिंग पे, और पेसिंग डिपेंड करता है पोटेंशियल ऑडियंस पे। सबसे पहले आपको उस टॉपिक के पोटेंशियल ऑडियंस के बारे में जानना होगा। ध्यान रहे मैं चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टॉपिक का सिर्फ पोटेंशियल ऑडियंस। एंड उसके बाद उस ऑडियंस से पता चलेगा कि आपको पेसिंग क्या रखना है, एंड पेसिंग क्या है ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। देन उस पेसिंग से ऑटोमेटिकली वीडियो लेंथ डिसाइड हो जाएगी, जिसमें लेंथ ज्यादा है तो हैप्पी एंडिंग के साथ वीडियो खत्म कर देना है। एक मिनट, अभी तक तो मैं सिर्फ इंट्रो में था तो वीडियो कैसे खत्म हो गई, एंड मिड और आउट्रो कहां गया? इसीलिए कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इतने टाइम स्टैम्प से अब तक मैंने तीनों पॉइंट के बारे में बता दिया है, चाहो तो फिर से देख लो और समझ लो, वरना पूरा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। एंड ये सब पॉइंट अप्लाई करोगे लेकिन तुम्हारी फैक्ट वीडियो की एडिटिंग, फैक्ट वॉइस की एडिटिंग, राइट फैक्ट स्क्रिप्ट, फैक्ट के लिए फैक्ट, फैक्ट के लिए वीडियो क्लिप, फैक्ट साउंड इफेक्ट, फैक्ट ट्रांजिशन इफेक्ट, ये सब फाइंड करना नहीं आता है या फिर ये सारी स्किल आपके अंदर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करो और सब कुछ एक एक करके सीख लो। बाकी अंशुल जी बातें नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए उसके लिए कमेंट कर दो। और हाँ, कमेंट सच में कर दो कि लास्ट तक किसने देखा है।